वही लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार मोदी वेव पर सवार होकर छलांगे लगा रहा है उससे उद्योग जगत की उम्मीदें आसमान छूने लगी है। इंडिया इनको उम्मीद है कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। भारतीय इंडस्ट्री के दिग्गज भी सांसें थाम कर नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री को लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनावों के बाद पीएम बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इंडस्ट्री को लगता है कि इससे इकोनॉमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है। देखिए, मैं मानता हूं कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है और जो चुनौतियां आती है उसी में से वो ज्यादा खिलते हैं। लोग बोलते हैं कि कमल खिला है, मैं बोलता हूं कि मोदी खिले हैं, क्योंकि जहां जहां मैंने देखा है कि 2002 से लेकर आज तक जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई, जो अपोजिशन की क्राइसिस आई, उन्होंने चाहे वो अपने पक्ष में हो चाहे तो विपक्ष के साथ हो, कभी अपनी हार ना मानते हुए भी उन्होंने विकास का मॉडल को चालू रखा और बहुत बैलेंस ये कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, उनके जो एक ड्रीम है कि फार्मर्स की जो फार्मिंग का जो पॉलिसी है, लैंड एक्विजिशन है, वो बराबर बैलेंस करना है, तो ये सारे पहलुओं को वो एड्रेस करेंगे। देखिए, अपना देश लास्ट 5 साल में डिसीजन नहीं हो पा रहे थे कोई भी कारण से, चाहे कोर्ट मैटर हो चाहे भ्रष्टाचार की मैटर हो, तो सरकार का जो काम करने का तरीका था वो स्टैंडस्टिल जैसा हो गया था। जहां तक हम नरेंद्र मोदी को गुजरात में रहते हुए पहचानते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से एक डिसीजन मेकिंग आदमी उस गद्दी पे यदि बैठता है तो डिसीजन बहुत फास्ट होंगे। डिसीजन फास्ट होने से अपॉर्चुनिटीज रहती है। इन उम्मीदों का भार तो नरेंद्र मोदी के कंधों पर है ही, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्री मानती है कि पीएम बनने पर मोदी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां होंगी। ने 2-3 साल में मेरे हिसाब से जो हमने बैकवर्ड स्टेप लिए हैं वो चले जाए और हम फॉरवर्ड स्टेप में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हम जो बिजनेसमैन कम्युनिटी को पूछो, टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ये सब चीजें भी बैकबुक पे है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, आज पोल्यूशन इंडस्ट्री ऑल्सो वॉन्ट्स पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म, सो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन फाइल पेंडिंग रहती रहे। फूड लॉज, ओल्ड फूड लॉज, नए फूड लॉ बने नहीं है, कितने कंटेनर पॉट्स पे स्टक है बिकॉज कोई क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटी है क्या करना, ये सब जो बैकलॉग है ये सब का मूवमेंट वी आर वेटिंग फॉर। कुल मिलाकर इंडिया इंक मानता है कि मोदी आएंगे तो अच्छे दिन जरूर लाएंगे, हालांकि अभी इंतजार करना होगा नतीजों का। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ गौरव अग्रवाल, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं कांग्रेस।